तो हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वीर माता जीजाबाई उद्यान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ टैक्सी और फिर वापस जाएंगे। अच्छा यहाँ पर है क्या? सॉरी सर मैं भूल गया कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। तो चलो फिर तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन मोज एंड इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आ गए हैं जीजा माता उद्यान पे। ये है एंट्री गेट और ये है हम लोग। अब हम लोग अंदर जाएंगे। ये है पूरा उद्यान यहाँ पर अंदर। ये तो एंट्री है अभी तक, और भी अंदर बाकी है। ये टिकटिंग प्राइस यहाँ के जैसे देख सकते हैं, एडल्ट 50 है, चिल्ड्रन 25, फैमिली 100, बट ये चार लोग की फैमिली होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ एंड दो बच्चे। और जो भी है देखते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कैसा फोटो कैमरा या जो भी इसके अलग अलग प्राइजेस है। गाइस वी हैव द टिकट विद अस एंड दिस जानवर आल्सो रेडी विद अस एंड वहाँ जानवर रेडी आल्सो, सो लेट्स गो नाउ। वी हैव द टिकट। यहाँ पे आपको आना है तो एक का एडल्ट का 50 रुपया है, मतलब हम दो है तो 100 रुपए हो गए बराबर। और अगर चाइल्ड लेके आ रहे हो तो 25 रुपए बराबर। वो मैंने बता दिया उनको ऑलरेडी, बताने की जरूरत नहीं थी। कुटुंब आ रहे हो गया हो गया हो गया हो गया। ओहो बब्बर शेर यहाँ पर और एक बब्बर शेर वहाँ पर। हम लोग अभी जाएंगे सीधा अंदर। ये है एंट्रेंस गेट। ये कोई तो है, पता नहीं कौन है, इसका नाम हमें पता नहीं चल रहा है। जब पता चलेगा तो बता देंगे महान हस्ती कौन है। कोई कि हम लोग बता रहे थे वो काले घोड़े पे कोई तो था, उसका नाम एल्बर्ट सेसन है। अगर दिख रहा होगा तो देख लो, यहाँ पर पढ़ लो, ये एल्बर्ट सेसन है जो यहाँ पर है ना, एकदम मस्त फॉर्म में स्टाइलिश में खड़ा है, एल्बर्ट सेसन काला घोड़ा। वाह चलो फिर मैप देख लेते हैं पहले, फिर ही हम लोग अंदर जा सकते हैं, बिना मैप के हम लोग नहीं जा सकते। बेसिकली ये मैप है जिसको फॉलो करना है पूरा एंड यू विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर मुंबई जू। ओके तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे, इसका फोटो निकालते हैं और फिर फॉलो करते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं उसको मिलने के लिए जो कि किंग ऑफ द जंगल होता है, दैट इज मिस्टर लायन। सिम्बा से मिलने जाएंगे, सिम्बा से, संग्राम भालेराव नहीं, असली वाला सिम्बा से मिलने जाएंगे। वो क्या बदलेगा ना, लायन सिंह हाथी। ओह माय गॉड हाथी है, उत्तर हाथी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये है वो एलिफेंट अपना मस्त, उसको खाने पीने का भी है। हाथी मेरे साथी, वेर आर यू, कम हियर। इधर नहीं आएगा ना वो, लेट्स गो। चलो ये पहले हम लोग एक्चुअली एलिफेंट, सॉरी लायन दिखाने लगे बट पहले एलिफेंट दिख गया, तो लेट्स गो फॉर लायन। अरे 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 उसको कुछ तो हुआ, बोल रहा है अरे क्या आज तुमने था, दाल चावल में थोड़ा नमक कम था, अचार नहीं डाला तुम लोगों ने क्या, अभी हर बार का हो गया तुम लोगों का। लोकेशन उनका फेस वेस सब दिख रहा अच्छे से, तो आप देख सकते हो। एंड इसके साथ साथ नीचे ना सब्सक्राइब बटन भी आएगा, उसको भी प्रेस कर सकते हो, प्रेस करिए ना। और लिंक पे मौज के भी लाइक है ज़्यादा। अरे वाह सुपर सुपर। ये लायन किंग का रास्ता बंद है, नो एंट्री। अब इसके लिए हम लोग को वापस से इधर से घूम के जाना पड़ेगा। लायन दिख गया हम लोगों को, ये देखो नकली लायन है ये ये नकली लायन है, इसको हम लोग ये नहीं करना है। बट मज़ा आया ना, उल्लू बन गए ना लोग, उल्लू बन गए थे थोड़ी देर के लिए। ये एक्चुअली असली लाइन नहीं है, ये छोटा सा नकली लाइन बना के रखा है यहाँ पर। असली लाइन के लिए लगता है आज एंट्री नहीं है अनमेर, लाइन नहीं देख पाएंगे शायद। सैडली लायन नहीं मिला, लायन गुस्सा है। लायन मिला बट नकली लाइन मिला, असली लाइन नहीं मिला हम लोगों को। माला ना यही है, यहाँ पर मेरे भाई बंधु मिलेंगे। गाइस भीड़ बहुत है यहाँ पे। ये रहे वो भालू, और ये भालू का चेहरा सेम है। स्लॉट बेयर देखने को मिलेगा।
भले लायन नहीं तो क्या हुआ, हम उसकी टेरिटरी में आए हैं जो लायन के बाद बहुत फेमस होता है। या टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है ना, जिंदा है, टाइगर टेरिटरी लिखा हुआ इसके लिए जिंदा है। भालू, भालू के बाद अब भालू दिखे, लायन नहीं दिखा। एक कैसा घूम रही है, इसको भगा इधर से। सिंगम मिला हम लोगों को, बट सिंगम कैसा था, थोड़ा सोया था। अब ठीक है, उसका लंच आवर हो चुका है। वो हम लोग से रूठा था, ऐच्चे मुंडी करके कैचे कैचे ऐच्चे कर बैठा था। तो चलो, अभी सिंगम ने खा लिया तो अभी हम भी दोनों बबल गम खा लेते हैं कुछ, तो भूख लगी है भाई थोड़ी सी। चलो, बहुत भूख लगी है यार। चलो क्या खाना, और रिश्वत कैमरा के सामने नहीं खाते तो बाद में आते। चलो, का मार्किंग स्पॉट है, ये रास्ता जाता है बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर और पेंगुइन की तरफ, और ये रास्ता जाता है सांबर, सांबर, अरे सांबर मतलब वो डियर सांबर, हिप्पो और क्या पानी टॉयलेट के लिए। यहाँ पर कैंटीन का नाम भी जंगल जैसा ही है, कैफे वाइल्ड करके। सो आफ्टर पेट पूजा वी आर डूइंग काम दूजा, वही काम है, जानवरों को ढूंढो और उनको ट्रैक करो। आई गेस हिप्पोपोटामस यहाँ पर होना चाहिए, बट यहाँ देख के मुझे, अरे वहाँ कुछ इधर है क्या, निकल नहीं रहे। अच्छा, ये पानी के अंदर है, ये आराम फरमा रहे हैं साहब वहाँ पर। हियर इट इज, दो दो है किधर से तुम, अरे हाँ दो दो है, अचानक प्रकट हुआ क्या दूसरा वाला। दे आर एंजॉयिंग, रिलैक्स कर रहे हो लोग। अरे 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 अरे, उसको नहीं नहीं, वो टेढ़ा हो रहा है वो। मैंने एक मेहर को फैक्ट बताया कि ये हिप्पोपोटामस 3,500 किलो के होते हैं। तेरा रिएक्शन था, डरपोक, डर गए यहाँ पर। अरे अभी ये कौन है यहाँ पर भाई अभी, और ये यहाँ पर सांबर डियर है। अब अगर आप ध्यान देखो, बहुत दूर बैठे हैं, इन लोगों को डर लगता रहेगा ना, इसके लिए दूर बैठे हैं। ए मैं वो देख, अपने पूर्वज लटक रहे वहाँ पर। माकड़, अच्छा माकड़ माकड़ ये है यहाँ पर। ओ माय गॉड, हमारे पूर्वज बैठे अंदर। अरे बाप रे बाप, पार्ट टू भी आ गया। खा पी रहे अपने मस्त में। अरे अरे भाई गॉड, काड़ी बीड़ी खा रहा है वो। ये इसका जू निकाल रहा है, जू निकाल रहे एक दूसरे के। आज फाइनली देख भी लिया कि बंदर जू निकाल के खाते भी है। अरे झपा झप मार रहे हो तो, उसका तो डिनर हो गया। तो देखो एकदम टॉप पे है यहाँ पूरा, वो यहाँ पर बिल्डिंग देख रहा है कैसी बन रही है बिल्डिंग। क्या ओ माय गॉड, अब हम लोग के यहाँ पर एक बहुत ही भयानक सा सेलिब्रिटी आ गया है। ये देखो पाशा पहलवान आ गया इधर यहाँ पर। पाशा पहलवान की जय हो। हाँ, ये सौंदर्य की बहुत बड़ी फैन है, और आप भी बताओ, बिग बॉस के फैन है तो कमेंट में जरूर बताना। बट ये पाशा भाई कैसे हो, पाशा भाई, पाशा पहलवान आ गए, पाशा पहलवान पूरी तरह से बॉडी दिखा, पाशा पहलवान की बॉडी देखो, पाशा पहलवान की बॉडी देखो। आए है स्वैम डियर के रीजन में, बट वेयर इज स्वैम डियर। ओ हाँ, उधर देखो चिंटू सा है। चलो उस तरफ चलते, जानवर जैसा बिहेव करना है।
स्पॉटेड डियर के पास, चितड़ जिसको मराठी में बोलते हैं, स्पॉटेड डियर इनको ये बोलते हैं, इनका ये स्पॉट है, देख सकते हैं वीडियो रोक के देख सकते हैं। बट यहाँ पर अच्छा हाँ देखो सामने एकदम सामने आप देख सकते हैं, और ये डियर के साथ एक एनिमल इंसान भी है, एनिमल है। अरे 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 भागा 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 भागा। तो ना हम लोग एंटर कर रहे हैं पेंगुइन वाले एरिया में, उधर देखो गाइस, एक आगे भी पेंगुइन जा रहा है, वही पेंगुइन देखने जा रहा है। अब आ पेंगुइन पेंगुइन जैसा, चलो हे गाइस, तो हम आ गए हैं पेंगुइन कक्ष, ये रहा हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रखती हूँ, हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष इतनी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ वहाँ पर, तो समझता तुमको वहाँ पर अबे पेंगुइन कही की। निकले सीधा फूड कोर्ट पे अंदर, वो यहाँ का फूड कोर्ट बहुत अच्छा बनाया एंड एकदम रीजनेबल भाव है सबके, कोई इशू नहीं, एकदम रीजनेबल है ना। तो अरे इधर भी तो है, इधर चाहिए रहेगी, वो ढकेल रहा है उसको, चल आगे मेरे को भी आने दे, जगह बड़ा, चल मैं आने दे, बस क्या वीडियो आने देना यार, ऐसा क्या रहेगा, आ जा बंटा है, पहुंच गया, ज्यादा बोलता तेरे ऊपर ही मारे, तेरे ऊपर फोड़ दूंगा तेरा खोपड़ी, देखता क्या, मार इसको, ले कुत्ते में, इसको मार 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 मार, छोटा वाला भी आ रहा, छोटे भाई रूप में आ रहा हूँ, टेंशन मत ले, जान पे खेल के आ रहा हूँ मैं, तू
अरे पापा, ये जगह दी अपने दोस्त को, क्या दोस्ती है। इनसे और इनसे बच के रहना। चुप। यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है इन द कमिंग फ्यूचर, कुछ तो रहेगा, फिर उसके लिए बाद में कभी आएंगे बराबर ना, एक साल के बाद। अभी जाएंगे हम लोग एक्वा बर्ड्स को देखने के लिए, मतलब पानी के पक्षी है, जो भी रहेंगे एक्वाटिक लाइफ। तो यहाँ पर कौन से पक्षी है वो पहले देख लो, फिर अंदर इनको रियलिटी में दिखाते हैं आपको। पहले तो ये जेल के रास्ते को बाहर निकालना पड़ेगा इससे। अब ये जेलर आएगी इसमें से। गजा। ये दोनों साथ में, ये दोनों बहुत ही यूनिक स्पीशीज है, ये और ये सुपर, बहुत अच्छे दिखने में ये। को पता नहीं वीडियो में ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा रहेगा बिकॉज जूम किया हुआ है। देखो यहाँ से देखो, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। ओके गाइस, तो आफ्टर सीइंग ऑल दिस जानवर, वी टू जानवर आर साइनिंग आउट। ये पूरा वीडियो एंड तक देखना और लिंक हम लोग डाल देंगे, जैसे कि यहाँ का जो भी एड्रेस है, जैसे आना है, जिसको भी आना है हम डाल देंगे। तो एंजॉय कीजिएगा, अपने बच्चों को लाइए, फैमिली को लाइए, जैसे हम आए हैं। तो चलिए वीडियो एंड तक देखना और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना टू मेहरबीरा और फॉलो अस ऑन मॉस। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और एक बार एक इम्पोर्टेंट नोट बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे आने के बाद वहां से टैक्सी करके आप यहाँ पर आना। 1500 रुपीज चार्ज लेंगे, डिपेंड कैसी फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर से, वही बेस्ट रास्ता है, वही से आना। दैट्स द इम्पोर्टेंट टिप फॉर यू ऑल। चलो भाई, फिर भी क्या करे सर, करे सर।